भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद उन्हीं चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है जो डबल इंजन सरकार फॉर्मूले में फिट बैठे। पार्टी का मानना है कि जनता ने तीनों राज्यों में जिस तरह से स्पष्ट बहुमत दिया है उसे पार्टी पर काम करने का बहुत दबाव है। जनता की अपेक्षाएं तेजी से पूरी होंगी तभी तीनों राज्यों में 2024 की सभी लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट पूरा हो सकेगा। राज्यों में ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्य करने वाला हो न कि खुद को। खासकर कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसे चेहरे को कमान देने की तैयारी है जो पार्टी और परफॉर्मेंस दोनों के मोर्चे पर खुद को साबित कर सके। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाम तक तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय हो सकते हैं। वहीं रविवार तक विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसकी सूचना विधायकों को समय रहते मिलेगी। शीर्ष नेतृत्व ने तीनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सांसदों से भी चेहरे को लेकर रायशुमारी की है। सभी प्रमुख नेताओं की मजबूती और कमजोरी शामिल करते हुए प्रोफाइल तैयार की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन सीएम बनेगा इसको लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व गोपनीयता बरत रहा है। बोर्ड जब तय करेगा तब जाकर के सब बैठकें होंगी, उसके हिसाब से करेंगे। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय आएगा तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। हम सब लोग उनको निर्णय आने दीजिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तब तय करेगा, तो उसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। सही बाड़ेबंदी की बात आ रही है कि अरे जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझते हैं और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो हम उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एक भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को बाड़ेबंदी करेगा। अब बुलाया होगा तो बुलाया होगा, जल्द जाने चाहिए। इसलिए भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री से मिलने लगातार विधायक पहुंच रहे बड़ी संख्या में, इसलिए मेरा सवाल। अरे जो पार्टी के नेता हो तो मिलते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो पार्टी के नेता तो विधायक मिलते ही है, कार्यालय भी आते हैं, मिलते भी हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन सीएम बनेगा इसको लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व गोपनीयता बरत रहा है।